प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, आपका एक वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है जो कि NATS NITS का यहां पे जो है आपका दिया गया है, जो कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका निकाला गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NITS ट्रेनिंग का, जो कि कई सारे ब्रांचेस और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आपका यहाँ पे निकाला गया है। ये नोटिस आपका जो है 5 अक्टूबर को ही जो है जारी किया गया था भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आपका है। और ये जो कॉलेज है ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। जो डिग्रियाँ मिलती हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले 2023 से पहले तक जो है आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी था, AKU पटना का था, लेकिन अब जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है टोटल 8 सीटों पे जो है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका जो है ट्रेनिंग होने वाला है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है आपका 4 सीट है, यानी आपका ये अंडर ग्रेजुएट यानी BTEC है ना, BTEC अगर आप हैं तो 4 सीट आपका है, और डिप्लोमा पे जो है आपका 4 सीट है। टोटल 8 सीटों पे जो है आपका यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे स्टाइपेंड अगर बात किया जाए अंडर ग्रेजुएट यानी BTEC कैंडिडेट के लिए 15,000 रुपया जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा पर महीना, और डिप्लोमा वालों को 10,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। इसके लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनको जो है ऑफलाइन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होगा। ये जो ऑफलाइन इंटरव्यू है 16 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि बुधवार को आपका होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है 10 बजे से होगा। जगह जो है आपका भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबौर भागलपुर में जो है आपका यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग चार्जेस जो है आपका इंटरव्यू के लिए कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको नहीं दिएगा, आपको खुद के पैसे से आपको जो है जाना होगा। और रिजर्वेशन पॉलिसीज जो है ये आपका जो गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाए तो आपको जो है NITS पे जो इनरोल आपने किया है तो उस पर आपको जो है एक यूज़र आईडी मिला होगा, तो उस यूज़र आईडी का यूज़ करते हुए एक आपका रिज्यूम बन गया होगा, जो भी डिटेल्स आपने वहाँ पे डाला होगा। तो उसका यूज़र आईडी के साथ वाला रिज्यूम आपको चाहिए है ना, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2, उसके बाद एक सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, अगर BTEC किए हैं तो आपका 10th का, 12th का और BTEC का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 10th का और डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपने डिप्लोमा के बाद BTEC किया है तो 10th डिप्लोमा और देन BTEC का आपको जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आपका लगेगा। इसके अलावा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जैसे कास्ट, रेसिडेंशियल, ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लेकर जाएंगे, जेरोक्स तो आप लेकर जाएंगे ही, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना होगा, ताकि उसके बेसिस पे आपको जो है वेरीफाई किया जा सके, चेक किया जा सके कि आप वही कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड है, यानी जिन्होंने अपना यूज़र आईडी यहाँ पे जो है डाला है वही वो कैंडिडेट आपके हैं। ओके, आई होप कि ये अपडेट आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। और अगर हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप अपना मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके सवाल, आपके जो भी मैसेज होंगे उनको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।